हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मासिक राशि फल बताने वाली हूँ मई 2020 का, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। चलिए जानते हैं फिर सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लोगों के लिए मई का महीना एकाग्रचित्त होकर काम करने के लिए सक्षम आप बनेंगे। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा करने वाले लोग जो है उनको उनके सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं। विलासिता के संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होने की संभावनाएं हैं। घूमने फिरने में काफी खर्च हो सकता है। किसी अनजान पर विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मई के महीने में महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही आपके लिए भलाई होगी। किसी मित्र से नए कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। महीने के आखिर में अच्छा लाभ हो सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दाम्पत्य जीवन में निकटता रहेगी। संतान संबंधी चिंतित होना पड़ेगा। किसी पुरानी बीमारी में खर्च हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए जो है मई के महीने में 3, 4, 12, 13, 21 और 22 तारीख आपके लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर सकती है। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए मई का महीना कैसा बीतने वाला है, चलिए जानते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा और फिर बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी पहली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच और उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए जानते हैं फिर वृषभ राशि के लोगों के बारे में। मई का महीना वृषभ राशि के लोगों के लिए भागदौड़ भरा और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भागदौड़ और तनावपूर्ण स्थिति में भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। भागीदारों के साथ सामंजस्य की परेशानी हो सकती है। किसी तरह की राजनीति आपके साथ हो सकती है। अपने विरोधियों से आप सजग रहे। व्यवसाय में उतार चढ़ाव होगा। महीने के दूसरे चरण में स्थितियां थोड़ी विपरीत हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा। नकारात्मक विचारों से खुद को नुकसान हो सकता है। शैक्षणिक कार्यों में व्यवधान आएंगे। घर में कोई धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है। विवाह योग्य जो लोग हैं वृषभ राशि के उनके संबंध जुड़ सकते हैं। राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। मई के महीने में 5, 6, 16, 14, 15, 16, 24 तारीख किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को आपको टालना चाहिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि। मई 2020 का मिथुन राशि का राशिफल क्या है, चलिए जानते हैं। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ के लिए अवसर प्राप्त होंगे। आपको कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। छोटे मोटे लाभ के चक्कर में बड़ा नुकसान हो सकता है। नकारात्मक विचार आप पर हावी हो सकते हैं। निर्णय लेने में विलंब के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक कार्यों में आपको जो है धार्मिक कामों के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु किसी बड़े की तबीयत बिगड़ सकती है। खर्चों में वृद्धि होगी। मई के महीने का तीसरा चरण जो है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मकान, वाहन आदि का सुख सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। आपको अपने क्रोध पर और वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। मई महीने की 8, 9, 17, 18 और 29 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है। इस समय आपको मानसिक अशांति तथा तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये था इन तीनों राशियों का मासिक राशिफल। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।